कल विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन हुआ और जो उनका भाषण था हम सब ने सुना सदन के अंदर। अब परिपाटी ये है कि जो राज्य सरकार अपने कैबिनेट से भाषण तैयार करती है, गवर्नर साहब को वही उद्बोधन देना पड़ता है। और मुझे बड़ा खेद हुआ कल जब हमने उनका भाषण सुना, क्योंकि भाषण के अंदर मूलतः जो सार निकल कर आया वो ये था कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व को उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और एक तरह से आरोपी बनाने की कोशिश की, कमियां निकालने की कोशिश की और कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्य से परे थी। लेकिन इसमें महामहिम का तो उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो बाधित हैं, परिपाटी ये है कि वो उनको वही भाषण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उस भाषण के माध्यम से हमारे सामने आई और मंशा ये है कि बजाय इसके कि अपना जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, उस पर कितना प्रतिशत लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे वो करेंगे और आने वाले समय के लिए बीजेपी का, अपनी सरकार का, जो सरकार बनी है जनता के वोटों से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो जो एक रोड मैप होता है वो उस भाषण से सामने आया नहीं। मुझे लगा कि जो वादे किए हैं और अब फाइनली जो डबल इंजन की बात करते थे वो सरकार यहाँ बन गई डबल इंजन की। अब एक इंजन दिल्ली में जो 10 साल से काम कर रहा है उसकी जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल की है उसका भी आकलन जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज़ का। लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार में जो कानून बने, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, हम लोगों ने नरेगा चालू किया, और बीजेपी की सरकार में GST लेकर आए, नोटबंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कि कानून बनाए क्यों और बनाए तो वापस क्यों लिए, शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है लोग उसका आंकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी आज़ादी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर है, शिक्षित नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये जो पूरा वातावरण बना है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चुनावों में जब वोट लेना है तो किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ध्रुवीकरण करना है, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया माध्यम से एक माहौल बनाना, लेकिन धरातल पर जो काम करना चाहिए था मैं मानता हूँ सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए जो तमाम विपक्ष की पार्टियाँ हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल स्टेजेस में आ जाएगा, उसकी घोषणा भी इंडिया अलायंस की सभी गठबंधन के साथी करेंगे। तो ये चुनाव होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव हम लोकसभा का लेकर आएँ, इश्यूज़ पे जो जनता के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के, विमेन सेफ्टी के, किसानों के, हमारी जो पहलवान बच्चियाँ धरने बैठी रहीं इतने महीनों तक जंतर मंतर दिल्ली में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी बात को आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सब बातें जनता देख रही है, उनके जहन में सारी हकीकत मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि मुद्दे ऐसे हों, जज्बाती हों, भावनात्मक हों, ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। तो इन बातों को लेकर जनता में हम लोग अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, बाकी नेता हैं, वो प्रचार बहुत जल्द चालू करेंगे देश भर में। राहुल जी ने यात्रा चालू करी है मणिपुर से, मैं मणिपुर गया था इम्फाल में, और जो रिस्पॉन्स वहाँ पर था, एक छोटा प्रदेश उत्तर पूर्व में, उसकी राजधानी में, जहाँ लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, सरकार नाम की चीज़ वहाँ बची नहीं है, वहाँ भी डबल इंजन है,
वहाँ पर आज तक क्यों नहीं सरकार जाकर सिचुएशन को संभालने की चेष्टा भी उन्होंने करी है। इसलिए राहुल जी ने बड़ा सोच समझकर मणिपुर से यात्रा को चालू किया ताकि देश में संदेश जाए कि छोटा राज्य है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक एक जान, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये यात्रा भी जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनकी बात को सुन नहीं रहा, जो अपने आप को दबाव महसूस करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा से के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है,